अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा पुलिस स्टेशन के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर रिदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिन से चल रहे आंदोलन के मुख्य आंदोलनकारी प्रवीण पवार की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से इस आंदोलन को किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिलते दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुलिस पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर पुलिस इस आंदोलन को लेकर जरा भी सीरियस होती दिखाई नहीं दे रही है। जबकि हमने मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर अशोक कडलक जी से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी जांच नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इसके अलावा हमने NCP के शमीम खान से बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो रिलीवर आएगा, वो उठेगा तो रिलीवर आएगा। ये कोई कोई घंटे की ड्यूटी चल रही है यहाँ पे, मगर प्रवीण पवार की जिंदगी से बढ़ के ये प्रशासन को समझना चाहिए, ये प्रशासन को समझना चाहिए। आंदोलन चलता रहेगा, आमरण तो उपोषण, आमरण चलेगा ठीक है, लेकिन प्रवीण पवार की जिंदगी से बढ़ के है क्या रिदा रशीद की गिरफ्तारी? ये मेरे सवाल का जवाब आप उनको लिखे, ये जिस हिसाब से डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी तबीयत बताई जा रही है, उस पर मैं बोल रहा हूँ कि प्रवीण पवार की जिंदगी से बढ़ के है क्या रिदा रशीद की गिरफ्तारी? मेरे सवाल का जवाब दो आप। तो ये आप सवाल हमसे पूछने से अच्छा प्रशासन से पूछिए ना। बिल्कुल, मैं एडमिट करा रहा हूं ना। जो हमारी जो मांग है, जो हम लोग जिसके लिए बैठे हैं, वहाँ भी ऊपर नीचे हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है और थोड़ा शुगर भी आगे पीछे हुआ है, और उसके साथ साथ में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो उसका कम हुआ है, और जो हार्ट बीट है वो 104 है, बढ़ गया है। मतलब डॉक्टर साहब ने एडमिट करने के लिए कहा है, लेकिन सलूट है प्रवीण पवार को। प्रवीण पवार ने कहा बबलू भाई कि भाई मुझे अभी रहने दो, मतलब जब तक जिस पे ताकत है। प्रवीण पवार का कहना है भाई जब तक मेरी आँख खुली हुई है मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। मतलब ये है, शर्म आ रही है हमें कि इस तरीके की हालात है। मजबूर है डिपार्टमेंट आरोपी को अरेस्ट करने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये जुल्म नहीं चलेगा, ये जुल्म अब खत्म होगा। ये डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब पे 354 का मुकदमा दर्ज करने के लिए आधा घंटा लगता है, और एक आरोपी बिंदास घूम रहे आज 14 तारीख से लेकर आज तक, उसको अटैक नहीं किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि वो पहले एट्रोसिटी केस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बाद में अरेस्ट किया जाएगा। हम तो ये समझते हैं कि पहले अरेस्ट होना चाहिए। शमीम भाई, कल ACP और सीनियर साहब ने आपसे मुलाकात किया, कुछ आश्वासन दिया था, क्या बात? एक्चुअली उस वक्त मैं मैयत में चला गया था, मैं यहाँ था नहीं, लेकिन बाकी हमारे साथी मौजूद थे। मुझे बताया शुभ जगताप ने कि भाई आए थे ACP साहब, लेकिन बोले हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बताएं ACP साहब कि कब तक चलेगा ये उनकी इंक्वायरी, उनका इन्वेस्टिगेशन, कुछ डेट वगैरह है उसका? मतलब इसे कितने पर इनको हमको लगे सुलाना पड़ेगा? तो ये अभी इनको एडमिट करने को कहा है, तो ये प्रवीण पवार कभी एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर आ गए, लेकिन प्रवीण पवार का ये कहना है कि भाई जब तक मेरी आँख खुली है मुझे रहने दो। बहुत सलूट है प्रवीण पवार को, उसकी हिम्मत को, उसकी ताकत को सलूट है। सरकार
इसका ब्लड प्रेशर 90/60 प्रवीण पवार के हालात आप दिखाई आपके माध्यम से बहुत नाजुक है, इसके लिए प्रवीण पवार को एडमिट करना बहुत जरूरी है और प्रवीण पवार को एडमिट करने के लिए हम लोग हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल 77 आवर्त हो गया तकरीबन, लेकिन अभी तक प्रशासन की मदद हमको नहीं मिली है। अभी तक कोई भी इनके ऊपर जो मांग है कि एट्रोसिटी के आरोपी को अरेस्ट करो, अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा एक प्रवीण पवार एडमिट होगा, यहाँ पे 99 प्रवीण पवार बैठेंगे। यहाँ पे कोई सरकारी डॉक्टर कोई भी नहीं है, परसों आए थे डॉक्टर साहब, कल कोई भी डॉक्टर नहीं आया, कल भी हमने बुरहानी से बुलाया डॉक्टर को, आज भी हमने अभी डॉक्टर बुलाया, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है। प्रवीण पवार को सबसे पहले हमको हेल्थ को देखना है, अशोक कड़लक साहब भी यहाँ मौजूद है सीनियर साहब, हम इनको लेके हॉस्पिटल जाएंगे, उनको एडमिट करेंगे। समीम भाई, प्रवीण पवार चाहता हूँ, समीम भाई प्रवीण पवार को सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं या प्राइवेट में? नहीं देखिए, अभी फिलहाल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर आया ही नहीं है, तो वहाँ के जा लेके जाएंगे, उनको आना चाहिए था, इसके लिए हम प्राइवेट लेके जाएंगे उनको। तो आंदोलन चालू रहेगा या स्थगित हो जाएगा? आंदोलन स्थगित नहीं होगा, ऐसा एक प्रवीण पवार जाएगा हमारा हॉस्पिटल में, 99 प्रवीण पवार आएंगे। अच्छा डॉक्टर चाहिए अपने को ना यार, खाली सर भी निकल गए, हाँ उनको बिठा के रखा था आधे घंटे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर।